सच में बहुत इरिटेट कर देते हैं वो फोन करके, और इतनी ज्यादा कन्विंसिंग पावर है उनकी, मुझे खुद 2 बार वो पेमेंट पेज तक ले जा चुके हैं भाई पहला फुसला के। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है फ्रंट रो के ऊपर, कि क्या वो जो कोर्सेज दे रहे हैं आपको वो वर्थ हैं भी उस प्राइस के या फिर नहीं है, पूरी चीज़ बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़ वीडियो शुरू करने पहले एक बात बता दूं मैं फ्रंट रो वालों को, अगर आप में से कोई देख रहा है तो मैंने सुना है आप लोगों की वीडियोस टेक डाउन कर रहे हैं फॉर नो रीज़न। देखिए, मैंने आपके कोर्सेज लिए हैं, जहाँ तक मैं बता दूँ आपको सच, यहाँ पे देखो मैंने 2 कोर्सेज खरीदे हैं, दिख रहा है? ठीक है, तो मैंने 2 कोर्सेज खरीदे हैं, एक लिया है उनका अमित त्रिवेदी का कोर्स और एक है स्वानंद किरकिरे जी का, मैंने लिया है लिरिक्स राइटिंग का कोर्स। ठीक है, तो और मैं प्राइस ही बता देता हूँ, मुझे कितने रुपए में पड़ा है कोर्स। अमित त्रिवेदी का मुझे 800 रुपये का कोर्स पड़ा है और स्वानंद किरकिरे जी का मुझे पड़ा है 100 रुपये में, काफ़ी सस्ता मिल गया, इसके लिए तो मैं काफ़ी लकी रहा। तो अगर मैंने किसी चीज़ पर पैसे खर्चे हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे हक मिलता है कि मैं उस पर अपना जेन्युइन रिव्यू दे सकूं, फीडबैक दे सकूं कि मुझे वो कैसा लगा, क्या उसकी वैल्यू मुझे मिल पाई भी कि नहीं मिल पाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को टेक डाउन ना करेंगे और इसको एज अ फीडबैक लेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके कोर्सेज कैसे हैं और क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सारी बुरी बातें नहीं बोलूंगा, जो अच्छा है वो ज़रूर बोलूंगा, जो थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की गुंजाइश है वो बोलूंगा। तो लाइटली लेना वीडियो, उड़ा मत देना। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है, एक कंटेंट के बेसिस पे है, एक प्राइस और एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे, क्या कंटेंट की कैसा कंटेंट है इस प्लेटफॉर्म पर, दूसरा के प्राइसिंग का क्या मैटर चल रहा है इधर, तीसरा स्ट्रेटजी के असली क्या मकसद है, क्या प्लान है इन लोगों का, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्टेंट की, कि कॉन्टेंट कैसा है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। इसमें मैं आपको 3 पार्ट्स में बताऊँगा, एक है बिगनर, मिड और एक है एडवांस बंदे के लिए। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं इसमें, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बिगनर्स की, कि बिगनर्स के लिए क्या क्या मिलता है इन कोर्सेज में। जहाँ तक मैंने अभी 2 कोर्सेज लिए और कुछ कोर्सेज के मैंने प्रीव्यू देखे हैं, तो उस बेसिस पे मैं बता पा रहा हूँ कि बिगनर्स के हिसाब से इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, उनको समझने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बिगनर को बारीकियाँ समझनी पड़ती हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, EQ, इक्वलाइजेशन म्यूज़िक प्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि भाई यहाँ पे ये बैंड होता है, यहाँ ये ऐसे काम करता है, वैसे करता है। तो इसमें क्या कि भाई जिन लोगों को, अब मैंने जो कोर्स लिया था अमित त्रिवेदी का, उसमें तो यार बहुत सारी बातें तो इंग्लिश में बोल दी, अब जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको वैसे ही दिक्कत होगी। दूसरी बात, अब ज़्यादातर कंटेंट मेरे हिसाब से हिंदी में होना चाहिए, आप बिल्कुल ज़्यादा ही हिंदी यूज़ करें, इंग्लिश का बहुत कम यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर लेते हैं, मानते सबको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो एक बिगनर नहीं समझ पाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि उसने अभी शुरू किया है, उसने पे कर दिया है और उसको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो बिगनर के लिए मुझे नहीं लगता ये कोर्सेज बिगनर के लिए हैं, क्योंकि बिगनर को दिक्कत आएगी। हाँ, रफ्तार भाई का एक कोर्स है, तो उस कोर्स में मैं कह सकता हूँ बिगिनर कुछ ना कुछ सीख सकता है, क्योंकि भाई ने थोड़ा सा सही तरीके समझाया, जिस तरीके से एक टीचर समझाता है। इसके बारे में बहुत टीचिंग के बारे में बताऊंगा, कैसी टीचिंग है इनकी, ठीक है। तो उसमें एक लाइव इम्प्लीमेंटेशन है कि आप स्टूडियो में कैसे काम करते हैं, कैसे लिखत होती है, कैसे फिर लिखने के बाद उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सॉन्ग में, तो ये सब चीज़ें उसमें थोड़ा बेटर समझाई गई हैं। तो आप चाहें तो ट्राई दे सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली नहीं बताऊंगा अभी तक जो इनका कंटेंट रहा है और जहाँ तक मैंने देखा है। और जो मीडियोकर बंदे हैं, जो मिड रेंज वाले बंदे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो एक, मान लीजिए आपने एक कोर्स लिया है, तो एक कोर्स में से आपको जो 100% वैल्यू होती है पूरे कोर्स की, उसमें से आपके काम की सिर्फ 20% ही होगी जो आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो 80% होगा वो ऑलरेडी आपको पता होगा। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ है कि मुझे तो सच बताऊं तो मुझे सिर्फ 10 या 15% ही कुछ ऐसा सीखने को मिला है कि वो मेरे लिए नया था, नहीं तो मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें पता थी जो मुझे अमित त्रिवेदी सर के केस में मिला, तो मुझे काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी ही पता थी। और हाँ, बट एटलीस्ट मुझे एक चीज़ और पता चली कि थोड़ा सा अप्रोच मिल गई कि वो किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करते हैं अपनी सॉन्ग्स की। तो हाँ, एक मिड रेंज वाले बंदे के लिए ठीक है कि आप ट्राई दे सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें आपको एक वो मिल जाता है कि आप एक हाई लेवल के बंदे की अप्रोच देख सकते हो। और एक एडवांस लेवल के बंदे के लिए क्या है यहाँ पे, वो उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो,
एक तो इनका सारा कंटेंट मुझे इस तरीके का लगता है कि पता नहीं, जैसे कि टेड टॉक चल रही है, टेड टॉक आप समझते हैं ना, जैसे कि वो जोश टॉक आती है उसमें लोग आते हैं अपनी जर्नी बताते हैं, भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, तो एक तरीके से आप इसे टेड टॉक समझ सकते हो कि आप एडवांस लेवल पे हो तो आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाएगी, आपको थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसा पता चलेगा भाई बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जानने को मिलेंगी, बट आपके सीखने लायक उसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा जहाँ तक अभी मैंने ऑब्जर्व किया। मेरा ओपिनियन है पर्सनली, आपका मे भी हो सकता अलग हो, पर जहाँ तक मुझे लगा है कि भाई अगर आप एक एडवांस लेवल के बंदे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इधर सीखने के लिए। और एडवांस कोर्स की मैं अभी बात करूँगा जो इन ये प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ऐसा सस्ते में नहीं छोड़ने वाला, मैं सब चीज़ें बताऊँगा, आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ नेगेटिव से बताऊँगा, जो पॉजिटिव है वो भी मैं साथ में बताऊँगा। और जो कुछ लेक्चर्स हैं वो हैं सच में काफ़ी अच्छे, जैसे रफ्तार भाई का मैंने बताया तो वो भी लेक्चर बहुत अच्छा है, आप उसको ट्राई दे सकते हैं, आपको एटलीस्ट एक लिरिक राइटिंग की एक और नज़रिया देखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। अब थोड़ा टीचिंग की बात कर लेते हैं, भाई टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, देखिए इसे एज अ फीडबैक समझें कि कोई इंसान एक बड़े लेवल पे है, बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, उसको अपना काम बखूबी करना आता है, वो बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे कि अमित त्रिवेदी सर हैं उनको बहुत सही से काम आता है, भाई बहुत सही लेवल पे काम कर रहे हो, मुझे उनका म्यूज़िक बहुत पसंद है, इवन पश्मीना यार यहाँ लगता है वो गाना, बहुत अच्छा गाना है, बट इट डजेंट मीन कि अगर आप अपनी इस फील्ड में अच्छे हैं तो आप टीचिंग में भी अच्छे होंगे, कि आप उन चीज़ों को सिखा भी उतने ही बेहतरीन तरीके से रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपका 8-10 घंटे का कोर्स, आप उस कोर्स में सब कुछ नहीं समझा सकते लोगों को जो उन्हें समझना है, आप सिर्फ ऊपरी लेयर, जैसे कि ज़्यादातर कोर्सेज में यही किया गया है इसमें, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें समझाई गई हैं, क्योंकि जहाँ तक दिखता है कि बड़े नामों को यूज़ करके ऊपरी बातें दिखाई गई हैं, फिर उसके बाद जो आपको अप्रोच किया जाता है, जो कि मैंने स्ट्रेटजी वाला पॉइंट बताया था कि क्या है कि आपको अप्रोच किया जाता है महंगे कोर्सेज लेने के लिए, महंगे इन द सेंस बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 7-8 हज़ार कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, बट एक बहुत ज़्यादा बिगिनर बंदा है वो ट्राई करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है 7-8 हज़ार। और सच बताऊँ तो जो चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत डीप में अवेलेबल हैं, बट स्टिल है आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, उधर टीचर्स मिलते हैं, आप वहाँ पर पूछ भी सकते हैं, ये भी बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ पर, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए अमाउंट बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। इवन एक चीज़ और मैंने नोटिस की है इनकी, कि यार इनके जो बंदे हैं, जो प्रमोशनल वाले बंदे हैं जो कॉल करते हैं, तो यार वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं फ़ोन करके, सच में बहुत इरिटेट कर देते हैं वो फ़ोन करके, और इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है उनकी, मुझे खुद 2 बार वो पेमेंट पेज तक ले जा चुके हैं भाई पहला फुसला के, मतलब मैं इवन पेमेंट करने वाला था फिर मैं देखा यार सीरियसली मैं क्यों लूँगा ये कोर्स, मुझे ऑलरेडी आती हैं ये चीज़ें, तो ऐसे है तो वो कुछ ज़्यादा ही कन्विंसिंग है वो बंदे, तो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं कि थोड़ा दिमाग रखना, अगर आपको नहीं करना है तो आप दिमाग को सख्त बनाए रखें कि नहीं करना है, करना तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, पर उनकी सच बताऊं तो कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वो कतई भयंकर तरीके से कन्विंस करते हैं भाई कि आपको ज़रूरत ही है उस कोर्स की, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यार मुझे खुद 2 बार कन्विंस कर चुके हैं वो कि हाँ मुझे ज़रूरत है, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर स्टिल मैंने वहाँ जाके फिर थोड़ा दिमाग लगाया और नहीं लिया वो, तो मुझे नहीं लगी उसकी ज़रूरत तो मैंने नहीं लिया, आपको लगे तो आप ले सकते हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा है, कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है बस। और यहाँ अभी हम बात कर लेते हैं प्राइस की, कि प्राइस में क्या है, देखो मैंने अमित त्रिवेदी सर का कोर्स लिया था 800 रुपये का, ठीक है, उस टाइम पे जब वो लॉन्च हुआ था, और उसके बाद अभी वो करीबन 200-300 ऐसा कुछ का मिल रहा था, तो यार ऐसा बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है कि मतलब आप यार इतना एक्सपेंसिव देते हो शुरू में, बाद में उसका प्राइस इतना डाउन कर देते हो, यार सच बताऊँ तो उस कोर्स की वैल्यू ही 200-300 रुपये है, इससे ज़्यादा का कोर्स नहीं है वो, क्योंकि एक मेरे लेवल के बंदे को बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है उसमें, ऐसी कोई खास स्पेशल नॉलेज नहीं है जो मुझे पहले से पता नहीं, वो सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं, तो ठीक है, तो ऐसा कुछ स्पेशल अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वैल्यू ही इतनी है, बट मुझे 800 रुपये में मिला वो कोर्स और मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं थी कि जो मुझे मैं सुनूं और मुझे याद रह जाए कि हाँ भाई ये बात हुआ, ऐसी मतलब कुछ जैसा मैंने कहा टेड टॉक जैसी चीज़ें थी कि ऐसे करियर शुरू हुआ, आप ऐसे ले सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, आप अपने दिल की सुनिए, आपको ऐसे मेलोडीज आएंगी, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाती हैं, ठीक है, तो कंटेंट कुछ कुछ मैंने जैसा कहा टेड टॉक जैसा था, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको टेड टॉक सुनने में इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि मुझे तो सच बताऊं तो मैं 200 रुपये पे कर सकता हूं क्योंकि एक बड़े आर्टिस्ट को सुनने को मिल रहा है, बट 800 रुपये एक बड़े आर्टिस्ट को सुनने के लिए मैं कभी भी पे नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो कर दिया खैर,
क्योंकि यार उतनी वैल्यू का कोर्स नहीं था वो। और सही बताऊं तो 200 रुपये लोगों को बहुत कम लगता है कि भाई, पर आप इस लेवल पे सोच के देखो ना कि 200 रुपये एक बंदे ने एक कोर्स के दिए और मान लो उस कोर्स को 2000 बंदों ने भी ले लिया। 2000 मैंने बहुत छोटा नंबर बताया, इनके 1 मिलियन तक डाउनलोड्स हैं, तो ये लगा लो 2000 बंदों ने ले लिया, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो कि किस लेवल तक आप अर्निंग्स कर सकते हो उसमें, समझ रहे हो ये चीज़। तो और जहाँ तक मुझे पता है कि कोर्सेज बहुत ज़्यादा लेवल पर बेचे गए हैं, तो और ये भी मैं मानता हूँ यार, प्रोडक्शन कॉस्ट भी एक नाम की चीज़ होती है भाई, इतने बड़े आर्टिस्ट को लाना, उसकी फ़ीस पे करनी और उसके कैमरा प्रोडक्शन टीम वालों को पे करना, मैं समझता हूँ खर्चा होता है इस चीज़ में, बट स्टिल आपको एक इस तरीके का प्राइस रखना चाहिए कि जो स्टेबल रहे। ये नहीं है कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दो, फिर उसके बाद बहुत सारे बंदे जो पे कर दे उसके बाद उसको डाउन कर दो, उनकी पेमेंट जो थी वो सोच रहे हैं कि यार लेना ही नहीं चाहिए था, ये तो बाद में ले लेते यार, क्योंकि जहाँ तक मैंने 800 का कोर्स लिया उसके बाद कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उसको, क्योंकि अब तो वो 200 रुपये का मिल रहा है। ये बात ठीक नहीं होती ना, आपको शुरू में ही 200 रुपये प्राइस रखना चाहिए, शुरू में आपने कमा लिया, अब आप ऐसे ही बेच रहे हैं उस कोर्स को, तो आपको एक स्टेबल प्राइस रखना चाहिए जो कि सबके लिए वैल्यूएबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में इतना ज़्यादा प्राइस रख रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा फीडबैक की तरह लें और प्राइस को थोड़ा स्टेबल रखें यार। ऐसा नहीं है कि शुरू में एकदम हाइप बना दिया उसके बाद फिर एकदम ही डाउन कर दिया, ये चीज़ ठीक नहीं लगी मुझे तो, पर्सनली बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। तो अभी कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये है कि अगर आपको अपने से एक बड़े लेवल के आर्टिस्ट की अप्रोच देखनी है कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनकी सोच होती है, तो आप कोर्सेज ले सकते हैं। बट अगर आपको कोर्स डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो अगर आप ज़्यादा प्राइस पे कोर्स ले रहे हैं तो मेरी नज़र में वो सेंस नहीं बनाता। जैसे कि मैंने लिया 800 रुपये में से 600 तो मेरे वेस्ट ही चले गए, क्योंकि अभी वो 200 रुपये का कोर्स मिल रहा था कुछ टाइम पहले, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके। तो आप अप्रोच देखने के लिए ले सकते हैं, पर स्टिल मैं कहूँगा कि ये चॉइस आपकी आखिरी में, लेना ना लेना, मैं एकदम खिलाफ़ नहीं हूँ इनके, इनका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट हमको देखने को मिल रहा है कि भाई बड़े आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, पर आपकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। और यार अपने कॉल वालों को बोलो कि एक बंदा जब मना कर देता है मुझे कोर्स नहीं लेना है, तो उसको बार बार कॉल ना करें, वो सच में इरिटेट कर देते हैं इंसान को सच में बहुत ज़्यादा। और यार उनकी कन्विंसिंग पावर भी अच्छी है। तो बस यही थॉट्स थे मेरे फ्रंट रो के बारे में। अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं उड़ाई तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, वरना फिर पब्लिक तो देख लेगी कि भाई सच सुनना सबके बस की नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, जो मुझे फील हुआ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपको तकलीफ होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई ये ओपिनियन गलत है बहुत सारे। और देखो ये बात है कि वो ऐप और भी बहुत सारे फीचर्स अलाउ करती है, तो आप अपने हिसाब से भी चेकआउट कर सकते हैं यार, आपको क्या करना क्या नहीं करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि यार चीज़ें और थोड़ी वैल्यूएबल हो सकती हैं, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट, प्यू प्यू गो बाय। अबे,